सीसीटीवी 24 न्यूज। समस्तीपुर में जमकर चली गोली, मौके से जिंदा बम बरामद। समस्तीपुर से अरविंद कुमार। समस्तीपुर शहर से सटे जितवारपुर बीती रात ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है जमीनी विवाद को लेकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र का जितवारपुर में कन्हैया चौक के समीप समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर सोमवार की देर रात्रि में व्हाट्सएप को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी की घटना से लोगों में दहशत व्याप्त है। सड़क किनारे मिला जिंदा बम बताया गया है। बदमाशों ने सरेआम करीब एक दर्जन राउंड फायरिंग की और 3-4 बम भी फोड़े। हालांकि गोलीबारी की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना स्थल पर एक जिंदा बम भी फेंका हुआ मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। वही पुलिस मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर अपने साथ ले आई। रात में घटना हुई, करीब 12:15 बजे के आसपास एक आवाज़ हुआ मेरे दरवाजे के सामने सड़क के। तो हम उठे, उठने के बाद जो है सो सोचे कि जो भाई कहीं पटाखा वगैरह शादी का दिन हो सकता है। लेकिन उसके बाद दोबारा करीब 1:15 बजे के आसपास जो आवाज़ दोबारा हुई, तो हम लोगों को संदेह माने सदमे में आ गए, जरूर कोई बात है। और तो हम लोगों ने उठा तो देखा कि भाई मेरे दरवाजे के सामने रोड पर जो है सो बम का जो है सो स्पॉट है। उसके बाद बगल वाले में भी वो बम का छूटने का जो है सो स्पॉट है। उसके बाद हम लोग दहशत में आ गए। उसके बाद जो है सो फिर हम लोग किसी ढंग से इधर उधर करने लगे, तो पता चला कि जो आगे राम बहादुर शर्मा जी के दरवाजे पर भी है। 3 दिन पहले भी आप लोग उसको बंधक बना करके पीटा गया था, उस मामले में पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हम जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है? क्या इस घटना के पीछे कौन हो सकता है? इस घटना के पीछे जो हमारे प्रतिद्वंदी है, जो हमारे नाम जो है लाल बाबू राय और उनके पुत्र जो है सो ये विशाल गौरव और कौन छुटका है कि ना मेन वो दिनकर प्रसाद दीन। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद शर्मा।